आज टेस्ट सीरीज फर्स्ट है और पहली टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। आपको एग्ज़ाम तक 8-9 अक्टूबर तक हम टोटल 20 टेस्ट सीरीज लाएंगे, जिससे और जो इसका ये मॉडल पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है, ये आपको एज ए PDF मिलेगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और इस पहले पेपर में हम पूरी वो जानकारी लेंगे जो एग्ज़ाम देते टाइम आपको मिलती है। एयरफोर्स नॉन कम्बटेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इनटेक 2025 और सीरीज पेपर सीरीज नंबर 1। कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, उन दिशा निर्देशों के साथ आपको पेपर को हल करने के लिए आगे बढ़ना है। इससे पहले आपको ऑफिसर कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, वो बताएंगे हर चीज, एक एक चीज समझाएंगे। उसके बावजूद भी यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपको परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल भी माल प्रैक्टिस नकल की कोशिश ना करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पेपर का पैटर्न कैसे आएगा? बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से 80 से 90% मिलेगा कि ऐसे ही आना है। इसको सॉल्व करने से आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको नया नया नहीं लगेगा कि क्या आपने पहली बार पेपर देखा है या किसी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करते, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 20 का है, टाइम अलाउड मैक्सिमम अधिकतम, टोटल मार्क्स 20 हैं और टाइम सिर्फ 20 मिनट है। सामान्य निर्देश पढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस इन टू सेक्शंस, मतलब दो विभाग में ये पेपर मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 20 होंगे और इस प्रश्न पत्र में दो खंडों में 20 प्रश्न होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरिंग फर्स्ट 1 मार्क्स ईच। अनुभाग एक में 10 MCQ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का एक अंक का होता है। नेक्स्ट, सेक्शन बी कंसिस्ट आल्सो 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। सेक्शन बी में 10 प्रकार के भी MCQ होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है। देयर इज नो निगेटिव मार्क फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। यदि आपने कोई भी गलत क्वेश्चन का आंसर टिक करते हैं या लिखते हैं तो उसका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। बिल्कुल ध्यान में रखें, कोई भी अगर आपको बहका रहा है कि इस तरीके की गलत न्यूज़ दे रहा है तो बिल्कुल उनके विश्वास में न रहें। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है नॉन कम्पटेंट में। अब गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होते हैं। इफ फाउंड चीटिंग एट द टाइम विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस एग्जाम। यदि नकल करते हुए आप पकड़े जाते हैं उसी समय इस परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इतना दिशा निर्देश मिलेंगे ऑफिसर के द्वारा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो कृपया यदि उनकी इंग्लिश में जो बता रहे हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है, यूपी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के इंग्लिश में अगर नहीं समझ में आता है तो रेज योर हैंड देन आस्क टू ऑफिसर, सर मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो हिंदी में वो बताएंगे। बिल्कुल इसमें कोई भी कोताही मत बरतना, उनके निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर समझना। चलो अब हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए देखिए, हमने ये जो इस टाइप का ये बनाया है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। ये ठीक, स्पेशली आंसर इस तरीके के होंगे जनरल नॉलेज में, ठीक, इस तरह के आंसर होंगे जनरल नॉलेज में। लेकिन आपको क्या करना है कि हर चीज को सेट रखना है, अपने आप को पहले पेपर से पहले पूरा पेपर देखना है, एग्जामाइन करना है पेपर को, और इसके बाद आप उस पेपर को हल करेंगे। जैसे अब हम देखो पहले पेपर को देखते हैं, हम बिल्कुल हूबहू इस पेपर को वैसे ही बताएंगे। पहले हमने पेपर को देखा, सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 से 10 के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें और लिखें। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया, मतलब भारत के पिता, मीन्स अपने जो राष्ट्र हैं राष्ट्र के पिता के नाम से किसको जाना जाता है।
तो द राइट आंसर इज, आप लोग आंसर को अपने मन में ही दे दें, देख के हम थोड़ा आप को समय दिया करेंगे। तो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। तो नेक्स्ट वन, विच प्लानिट इज नोन एज द रेड प्लानिट, किस ग्रह को लाल कहा ग्रह कहा जाता। देखें, जब हमारी किसी भी जनरल नॉलेज का आपके कंपोनेंट में, नॉन कंपोनेंट में टेस्ट आएगा, तो यहाँ जनरल नॉलेज का यहाँ इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, समझ लीजिए। इंग्लिश हिंदी में ये भी होगा, यहाँ तक कि ये भी इंग्लिश और हिंदी में होगा, अर्थ मतलब पृथ्वी, इस टाइप का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ भी आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखा जाएगा मंगल। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। मैंने थोड़ा सा प्रयत्न किया कि आपको इंग्लिश अब हल्की हल्की, जिनको नहीं आती है वो कोशिश करें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें यहाँ पे। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो द राइट आंसर इज ए मार्स, मींस मंगल। ठीक है, व्हाट इज द नेशनल वर्ड, अगला है व्हाट इज द नेशनल वर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पीकॉक, पैरट, पीजन, मयूर। तो इसका तो आप आंसर पता होगा, राइट आंसर इज ए ऑप्शन नंबर ए, पीकॉक। किस नदी को भारत की माँ कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज द मदर ऑफ इंडिया, गंगा, यमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्र। देखो, सब लोग बोलते हैं कि गंगा मैया बोलते हैं ना, गंगा माँ ऐसे करके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गंगा। इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? 1974, 1998, 1947, 1962। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1974। विच गैस इज नोन एज एयर ऑफ लाइफ, किस गैस को जीवन का वायु कहा जाता है? इससे पहले बता दें कि इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और इसके बाद व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। तो किस गैस को, नाइट्रोजन तो हो नहीं सकती, ऑक्सीजन ही ऐसी चीज है जिससे हमारा जीवन संभव है, ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। किस बेरी बेरी रोग किस की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग तो आपको पता है, B12। ठीक है, B2, नो, B6, नो, किसकी कमी से? तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B1। अच्छा, एक बात बताऊं कि हम लोग विटामिन बोलते हैं, लेकिन अभी जो इंग्लिश इसका सही उच्चारण है, वाइटमिन, वाइटमिन B1। व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जन, 14 नवंबर, 26 नवंबर एंड अगस्त 15। द राइट आंसर इज ये ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। नेक्स्ट वन, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IIF, इंडियन फिल्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन 2023। 2023 में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मेजबान कौन राज्य था? बताएं, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोवा। नेक्स्ट वन, किस लिपि में स्वर और व्यंजन के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं? हमारी इन विच स्क्रिप्ट आर देयर सेपरेट
सिंबल्स फॉर वॉवल्स एंड कॉन्स्टेंट। तो अपनी एक हिंदी भाषा ही ऐसी होती है जिसमें देवनागरी ये भाषा ही स्वर और व्यंजन अलग दर्शाते हैं। तो आपका ये एक सेशन कंप्लीट हुआ। इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे थे आप लोगों को, जरूर अपने आप को ट्राई करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नेक्स्ट वन, अब आ जाते हैं हम इंग्लिश में, सेक्शन बी। इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश को इंग्लिश में ही आएगी, समझ लेना, ध्यान रखना। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो जनरल इंग्लिश सेक्शन बी, सेलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फाइंड एंड ऑप्शन आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस गिवन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन 1 to 10। तो क्वेश्चन नंबर वन पढ़ेंगे, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ विलिंग। विलिंग की एंटोनिम्स क्या है? तो विलिंग की देखो, इसके बिल्कुल सिंपल है ये वाला, आपको समझ में आ गया क्या होगी। वैसे मैं बता देता हूँ, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ वेपन्स। ये आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और इसका है कि वेपन जो हथियारों के अध्ययन करते हैं उससे रिलेटेड है। तो द राइट आंसर इज होपलोलॉजी। द राइट आंसर सी, होपलोलॉजी। नेक्स्ट, प्रोडिगल, फाइंड सिनोनिम्स। प्रोडिगल का सिनोनिम्स क्या है? लेविश। द राइट आंसर इज ए ऑप्शन नंबर सी, लेविश। नेक्स्ट वन, ही वेंट एलोन। अब देखो इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं दिया है, क्या लगाना है? तो इसका है इन सी एलोन, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, टू लगेगा नहीं, इन टू ऑन, समुद्र के ऊपर तो गया नहीं होगा। और इन और इन टू में कैसे फर्क करेंगे हम कि ये देखो, जब हम मूवमेंट हो, क्या हो? मूवमेंट हो तब, और मूवमेंट के थ्रू ही वो जा रहा हो, ठीक है, तब इन टू का प्रयोग करते हैं। जब मूवमेंट ना हो तब इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दे देता हूं, तो ये वेंट टू, अब समुद्र में जा रहा है, वो मूवमेंट के थ्रू जा रहा है, तो हम इन टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन, द फर्नीचर इन द रूम, इन दिस रूम। अब देखें क्या लगेगा इसमें, द फर्नीचर इन द रूम इज मेक ऑफ टीक, हैज मेक ऑफ टीक, हैव मेक ऑफ टीक, मतलब ये दिस इस फर्नीचर, यहाँ के रूम का फर्नीचर किससे बना है? टीक की लकड़ी से बना है, इन तो होगा नहीं, ठीक, हैव भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इज मेक ऑफ टी। ओके, नेक्स्ट वन, देखो इसमें ऑलरेडी लिखा है चेंज इनटू पैसिव, ठीक है, ऑलरेडी आई डू माय होमवर्क, चेंज इनटू पैसिव, माय होमवर्क इज डन, इज डन। देखो यहां पर प्रेजेंट में आ रहा है, तो प्रेजेंट में पता क्या करते हैं, आई यहां से उठाएंगे माय होमवर्क से, और इसको इज आरएम में चेंज करेंगे, तो माय होमवर्क, ठीक, डू है तो इसको इज में चेंज करेंगे, माई है क्योंकि माई और ही सी इट के साथ इज का, और इसका थर्ड फॉर्म डू का थर्ड फॉर्म डन, माई होमवर्क इज डन, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। बाई आई को हम बदलते हैं मी से, बाई मी, तो माई होमवर्क इज डन बाई मी, ऑप्शन नंबर बी, सिक्स का बी। नेक्स्ट वन, ही सेड आई प्ले फुटबॉल, ही सेड आई प्ले फुटबॉल, इसको इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड आई प्ले फुटबॉल, देखो ये प्रेजेंट में है, आप ध्यान से देखें, ही सेड, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही सेड आई प्ले फुटबॉल, तो सेड होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही, जब ओनली सेड हो तो सेड दैट होता है, ठीक है, एक ही सेड दैट इसमें भी आया, इसमें नहीं है, तो मतलब यहां तक तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत अच्छा सिंपल एक रूल है, पहले मिला लो। ही सेड, किससे बोल रहा, किसी से नहीं बोल रहा अभी, इसलिए उसने हमने सेड डेट लगा दिया। किसी से बोलता तो टोल्ड हो जाता। ही सेड दैट आई प्ले फुटबॉल, ठीक। आई को हम इससे चेंज करेंगे, आई को ही से चेंज करेंगे, देन आ जाएगा नेक्स्ट में ही प्ले, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्ले की, प्लेड देन फुटबॉल। तो ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच इज रॉन्ग। चलो पता कर लेते हैं, राइटिंग मतलब लिखना, लाइटनिंग मतलब लाइट को, जो लाइटनिंग होती है ना थंडरिंग वो, लाइटेन मतलब लाइट, लाइटेन उसका फॉर्म हो गया। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग देखो गलत है, ये आप स्पेलिंग चेक करोगे ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट वन, बिना किसी संकोच के विश्वास करना, टू कॉन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट वन, गैम्बलिंग, दसवां है, गैम्बलिंग रूइंड मैनी कैरियर्स। देखो गैम्बलिंग क्या है, गैम्बलिंग एक, तो आप हमारा ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है। अभी इसमें इज आएगा कि आर आएगा, हैज आएगा कि हैव। गैम्बलिंग मतलब जुआ, जुआ कोई भी जुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन खेल रहे हो। रियूंड मतलब ये थर्ड फॉर्म है, ध्यान से देखो, बर्बाद कर देने की, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म किस किस सेंटेंस में लगती है वो बताएं। मैनी कैरियर्स, इज तो लगेगा नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म, इज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। इसके अलावा आर नहीं आएगा, हैज आएगा, हैज और हैव का ही देखते हैं, ठीक है। गैम्बलिंग एक चीज है, वन थिंग है, वन थिंग, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक। द गैम्बलिंग हैज रूइंड मैनी कैरियर्स। तो ये सेशन कैसा लगा है भैया, सब लोग कमेंट करें और बताएं हमें किस में जुड़े हैं। ये पेपर शेयर करें, इसी तरीके का पेपर आता है, और ताकि सब बच्चों की फ्री में शिक्षा हो सके। किसमें? फ्री में, ना कोई पीडीएफ का रुपया, ना कोई भी, बिल्कुल फ्री में होगा। और ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो बताइए, ये टेस्ट सीरीज हम आपके लास्ट पेपर के एक दिन पहले तक चलाएंगे। और हम समय रहा, समय हमें मिलता रहा, तो एक दिन में दो दो टेस्ट सीरीज लाएंगे, बिल्कुल टेंशन न ले, सुबह भी शाम को भी। और नॉलेजफुल वीडियो हम इससे रिलेटेड अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, कोई दूसरा गुमराह ना कर सके। तो फिर सभी बच्चों को एक बार सब एक इस वीडियो में जय हिंद जरूर लिखें, ताकि हमारे भारत माता, जय हिंद का मतलब क्या होता है, जय हिंद, भारत माता की जय, अपने हिंद की जय, 100 साल जिए, 1000 साल जिए, जय हिंद का मतलब। तो चलो बच्चों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।